दोस्तों आज की वीडियो में इस तरह का थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे पिक्सआर्ट में, जिसका हमको थंबनेल बनाना है। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे टूल्स वाले बटन पर, फिर क्रॉप पर हम जाएंगे और 16:9 को ऐसे हम सेलेक्ट करके इसको राइट वाले बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है कि यहाँ से हमको जाना अपने टेक्स्ट पर, और टेक्स्ट पे जाने के बाद जो भी टाइटल हम अपने थंबनेल पर लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद जो ब्लू वाला बटन है उस पर हम टैप करेंगे, फिर माय फॉन्ट पे यहाँ से हम टैप करेंगे और ये कॉर्निंग डिस्प्ले वाला फॉन्ट हमको अप्लाई कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कलर पर जाना, फिर जाना है टेक्स्चर पर, फिर ऐड फोटो वाला बटन, इस पर टैप करने के बाद हमको एक येलो कलर का इसमें टेक्स्चर ऐड करना है, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला टेक्स्चर है इसको हम ऐड कर लेंगे और फिर इसके स्ट्रोक पर हम टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमको नीचे आना है इसकी शेडो पर, और यहाँ से सेकेंड वाले को फुल कर देना, फर्स्ट वाले को यहाँ से हमको रख लेना 20, और फिर इसके ऐड पोजिशन पर हमको क्लिक करना है। पोजिशन पर आने के बाद इन दोनों को यहाँ से हमको 100 कर लेना है। सो यहाँ से हम दोनों को 100 कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन अभी यहाँ से हम भी जो अपना टेक्स्ट है ये हमने लिखा है, इसको पहले हम अपने थंबनेल पर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। राइट साइड में इसको हम रखेंगे जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ, सेम आप उसी तरह से इसको रख लेना है। तो कुछ इस तरह रखने के बाद अभी सेकंड वाला टेक्स्ट है वो भी यहाँ से हम लिख लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इसको लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको जाना है इसके कलर पर, फिर इसके टेक्स्चर पर जाना है, ऐड फोटो पर टैप करना है। अब इसके बाद जो व्हाइट कलर का टेक्स्चर वो यहाँ से हम ऐड करेंगे। पहले हमने येलो कलर का ऐड किया था, अब व्हाइट कलर का ऐड करेंगे और फिर स्ट्रोक पर टैप करेंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे इसकी शेडो पर, सेकंड वाले को फोल्ड कर देंगे, फर्स्ट वाले को यहाँ से रखेंगे 20, और पोजिशन पर आने के बाद यहाँ से हम दोनों को रखेंगे 100 कुछ इस तरीके से। देन अभी इसको भी यहाँ से अच्छे से सेट करने के बाद टेक्स्ट पे जाकर अपना जो थर्ड वाला टेक्स्ट है वो भी लिख लेंगे, और इस वाले टेक्स्ट में जो हमने ऊपर वाले में किया था सेम वही करना। मैं वीडियो फास्ट कर दूँगा जिससे आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो आप ऐसा कर लेना जो ऊपर किया था ना सेम वही नीचे वाले में कर लेना। अभी स्टीकर पर जाना है, यहाँ से हमको कोई भी एक इमोजी ले लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इमोजी आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ से 3D इमोजी सर्च कर लेता हूँ, आप नॉर्मल इमोजी भी यहाँ से सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे इमोजी आ जाएंगे, बट मुझे 3D इमोजी चाहिए इसलिए मैं 3D इमोजी यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। इसमें आने के बाद यहाँ से कोई भी इमोजी हम डाउनलोड कर लेंगे अपने पसंद का। तो जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि कुछ ये वाला इमोजी मुझे पसंद है, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको सेट कर लेना कुछ इस तरीके से, फिर इसके बॉर्डर पर जाना है, बॉर्डर का कलर रखना ब्लैक कलर, और फिर इसकी शेडो पर हमको टैप करना है, और जो दोनों को ऐसे हमको फुल कर लेना है, फिर इसकी पोजिशन पर आना है, दोनों को ऐसे हम कर लेंगे 100। तो कुछ इस तरीके से इसको रख लेंगे। देन अभी इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और जो इसका बॉर्डर का साइज़ है उसको यहाँ से हम 10 के करीब रख लेंगे। तो कुछ इतना हमारा हो चुका है, आप यहाँ से देख ही सकते। इतना करने के बाद अभी क्या करेंगे, ऐड फोटो पे जाने के बाद यहाँ से कि हम कोई भी अपना PNG ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं जॉयस्टिक के ऊपर अपना जो थंबनेल है, तो इसलिए मैं जॉयस्टिक का एक PNG यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद कुछ अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेंगे, फिर इसके बॉर्डर पर जाएंगे। इसका कलर हम व्हाइट ही रहने देंगे, जो बॉर्डर का कलर व्हाइट ही रहने देंगे। अभी इसकी शेडो पर टैप करेंगे, दोनों को फुल कर लेंगे, और फिर इसकी पोजीशन पर टैप करने के बाद यहाँ से दोनों को हम कर लेंगे 100 कुछ इस तरीके से। इतना हमारा हो चुका है, तो इसको 100 कर लेंगे। अभी यहाँ से हमको क्या करना है, एक एरो ऐड करना है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से स्टिकर पर जाएंगे सिंपली, और यहाँ से हमको सर्च करना PUBG। सो आपके बारे यहाँ से हम PUBG सर्च करेंगे, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो वाला एरो मिल जाएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेना। देन इसमें भी हम ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देंगे, और देन इसका जो साइज़ है उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, जो बॉर्डर का साइज़ है। देन तक करने के बाद यहाँ से हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ से बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप इस थंबनेल को और भी ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा एक लाइटरूम के प्रीसेट की। सो आप उस प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना, और लाइटरूम में जाकर उसकी सेटिंग्स को कॉपी करके आप अपने थंबनेल पर अप्लाई कर लेना, जिससे हमारा जो थंबनेल है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सो दोस्तों यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।